हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है व्हेन ऑड एसीजेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 2003 में डिसाइड हुआ। केस का जजमेंट 453 आईटीआर पेज नंबर 214 पर रिपोर्ट किया गया और मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का जजमेंट 23 मार्च 2023 को आया। ये केस सेक्शन 195 पर टीडीएस डिडक्ट करने को लेकर के है। इस केस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो मैटर इस चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं है कि इस केस में टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस केस के अंदर जब हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में ये डिसीजन दिया कि एसएससी सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं था, लेकिन ऑर्डर में एक राइडर ये लगाया हाई कोर्ट ने कि सपोज करो इन फ्यूचर जिस एसएससी का टीडीएस कटना था, जिसके लिए डिस्प्यूट था, यदि उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो जिस एसएससी ने टीडीएस काटना था उसको भी एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। कहने के मतलब यह है कि मोटे तौर पे जब ये मैटर हाईकोर्ट के पास गया कि एसएससी ने टीडीएस काटना था या नहीं काटना था सेक्शन 195 में, तो ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो पेई है उसको अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना, और वो एक क्राइटेरिया इस चीज का है कि यदि पेई को अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा तो यह भी एक क्राइटेरिया है कि पेयर को टीडीएस नहीं काटना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, इस केस के अंदर जो एसएससी है वो एक होल्ड ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है एक नीदरलैंड की कंपनी की, जो कि नीदरलैंड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, और जो एसएससी जो है वो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। एसएससी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन एक्सपेंसिस डेबिट किए, जो कि नीदरलैंड की कंपनी को रिम्बर्स किए गए थे। क्वेश्चन मूड पॉइंट इस केस में यह था कि एसएससी को इस पेमेंट पर, इस रिम्बर्समेंट पर टीडीएस काटना या नहीं काटना। जब यह मैटर हाईकोर्ट के पास गया तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिस को पेमेंट करनी है यदि उसकी इनकम पर वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं, ये चीज भी इस चीज का क्राइटेरिया है कि पेयर ने टीडीएस काटना है या नहीं काटना। पहला इस केस के अंदर पॉइंट ये था। दूसरा हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस ऐसा लगता है कि एसएससी को इस केस में टीडीएस नहीं काटना, लेकिन हाई कोर्ट ने एक राइडर लगाया कि यदि इन फ्यूचर जिसको पेमेंट की गई है, जो नीदरलैंड्स की कंपनी है, जो नीदरलैंड्स में इनकॉर्पोरेट हुई है, यदि उसका कभी केस रीओपन किया जाता है और यह निकल के आता है कि उसकी इनकम टैक्सेबल है, तो उस वक्त एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और एसएससी का सेक्शन 40A क्लॉज आई के अंदर जो अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। जब यह फैसला किया गया तो एक चीज तो एसएससी के फेवर में आ गया कि टीडीएस नहीं काटना, तो इसके लिए तो जो डिपार्टमेंट है वो अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और जो ऑर्डर के अंदर राइडर लगाया कि इन फ्यूचर एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जा सकता है, उसके लिए एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक हाईकोर्ट के फैसले का सवाल है इस मुद्दे पर कि टीडीएस नहीं काटना था, तो उसमें किसी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो बात सही है कि टीडीएस नहीं काटना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राइडर लगाया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 195 की के अंदर कोई अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब एक बार हाई कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया है कि टीडीएस नहीं काटना, तो इन फ्यूचर पेई पर वो अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो इस चीज को साबित नहीं करेगा कि जो एसएससी है वो इन डिफॉल्ट था या नहीं। जब एक बार हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि एसएससी
OTDS नहीं काटना, तो इन फ्यूचर कोई इवेंट जो है वो इस बात को डिटरमिन नहीं करेगा कि SSC जो है वो डिफॉल्ट के अंदर है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 195 में जहां पर TDS कटना होता है उन केसेस को लेकर के वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वैन ऑड ACZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 ITR पेज नंबर 214 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।